हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सोल्व करेंगे। ये 4 दिसंबर 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। ऑप्शन 2, शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। और ऑप्शन 3, शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम पराय स्वयं के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं? इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार। ऑप्शन 2, अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखीय पैटर्न का पालन। और ऑप्शन 3, अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अनुचित प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अधिगम सामग्री प्रकारता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अभिकर्मित अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से आंकलन का कौन सा प्रकार मानकों पर नजर रखते हुए आवधिक आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संकलनात्मक आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है, इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मददगार होगा? राइट आंसर ऑप्शन 4, क्रियात्मक शोध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता अपने शोध में आईसीटी का प्रयोग करना चाहता है, ऐसे निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, प्रयुक्त साधन की उपयुक्तता। ऑप्शन 2, इसे प्राप्त करने में निहित लागत। और ऑप्शन 3, जहां अनुसंधान किया जा रहा हो वहां के विभाग में साधनों की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रतिचयन की प्रक्रिया आनुभविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध रूप के लिए उपयुक्त होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, कोई भी गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रबंध के अध्यायों की योजना या प्रलेख को निम्नांकित में से किस फॉर्मेट में विश्वविद्यालय में शोध डिग्री समिति द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत कराना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, शोध प्रबंध या शोध लघु शोध प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, इसे कहा जाएगा ऑप्शन 3, अनैतिक कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के मध्य कक्षा में जीवन चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन 1, समसत्रीय संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परिवेश में अध्यापक द्वारा सूचना आधिक्य के परिणाम स्वरूप होगी? राइट आंसर ऑप्शन 4, विलंबित प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है? राइट आंसर ऑप्शन 2, वाणी और ध्वनि की गति में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा में संप्रेषण के निम्नांकित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन 2, अनुसंकेतक। सी, साहचर्यात्मक। और
ऑप्शन ई सांकेतिक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, बी सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे अभिकथन ए और तर्क कथन आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है, ये गलत है। तर्क कथन आर, शैक्षिक मर्यादा कक्षा परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ए ई आई ओ यू को टी एन एच डी जेड के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा का प्रयोग कर बी एफ जे पी वी को किस रूप में लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए प्लस बी का 3% ए बी का 7% है और ए माइनस बी का 5% ए बी का 4% है, तो बी का ए कितना प्रतिशत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या और उसके प्रतिलोम का योग -4 है, उनके घनफल का योग है, राइट आंसर ऑप्शन वन -52। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित है और ब्याज की अदायगी वार्षिक है, यह राशि 3 वर्ष में 1,01,816 रुपये और 4 वर्ष में 11,248.64 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन टू, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की बिक्री पर 10%, 15% और 20% की 3 उत्तरवर्ती छूट की सही समतुल्य छूट कितनी होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 38.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह सह उत्पन्न होती है, इस तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा हितवाभास निहित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन वन, विरुद्ध या विरोधी हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए, कथन, कुछ कुर्सियां पर्दे हैं, सभी पर्दे बिछोना है, निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां बिछोना है, उपरोक्त तर्क वाक्य का विन्यास क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एस पी हैं, इसका प्रतिलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, कुछ पी एस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दोषपूर्ण हेतु साध्य पद के समान रूप से समानांतर नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर, सव्यभिचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, राइट आंसर ऑप्शन फोर, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका के माध्यम से किसी परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा 5 भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को दर्शाया गया है, कोष्ठक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है, तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन है, अमर द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशतता कितनी है, राइट आंसर ऑप्शन टू, 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 5 विषयों में सान्या के प्राप्त अंकों का पूर्ण योग कितना है, राइट आंसर ऑप्शन थ्री, 455। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों का औसत प्राप्त क्या अंक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, 86.66।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विषयों में कितने छात्रों ने 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू, 2। नेक्स्ट, अंकों की प्रतिशतता की दृष्टि से किस विषय में छात्रों का निष्पादन सबसे खराब रहा? राइट आंसर ऑप्शन 4, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन 2, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB पद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक वायरलेस प्रौद्योगिकी है जो कम दूरी तक डाटा के अंतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में निर्मित होता है? राइट आंसर ऑप्शन 2, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCI किसका संक्षिप्त रूप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राष्ट्रीय एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर अनुक्रिया करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ICERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित विकल्पों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ को चिन्हित करें? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, 06 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय संधारणीय विकास लक्ष्यों के प्रकरण हैं? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए जलवायु कार्य, ऑप्शन बी संधारणीय नगर और समुदाय, ऑप्शन सी शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान, और ऑप्शन एफ उत्तरदायी खपत और उपभोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन 3, कार निसर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों में जल की गुणवत्ता को निम्नीकृत करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए जीवाणु, बी पोषक तत्व, सी धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस WOS है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, वेब ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा की अभिगम्यता में मुख्य अवरोधक हैं? इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुदेशन की भाषा, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति, और ऑप्शन एफ समाज में महिला संबंधी भेदभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, GTS व्यापार और सेवाओं संबंधी सामान्य समझौता के अनुसार उच्च शिक्षा विषय किसके अंतर्गत होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, वैश्विक बाजार स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, चाहे कोई भी उपाधि या डिप्लोमा हो स्वायत्त महाविद्यालय इसे अपने नाम के अंतर्गत प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुहर संबंध विश्वविद्यालय की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निम्नलिखित को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समता, बी अभिगम्यता, ऑप्शन डी उत्कृष्टता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, उदारवादी स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रही है? राइट आंसर ऑप्शन 3, बाजार की वास्तविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी स्थापना में किसके निहितार्थों की समीक्षा की गई? राइट आंसर ऑप्शन 2, अत्यधिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता थी? राइट आंसर ऑप्शन 1, धन के परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्टतम आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन बेमेल है? राइट आंसर ऑप्शन 4, अत्यधिक सरकारी कार्य पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गद्यांश लेखक की किसके प्रति वरीयता को दर्शाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, अर्थशास्त्र पर सरकारी नियंत्रण को सीमित करना। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।